नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ में मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। संस्कारधानी जबलपुर सहित मां कौशल क्षेत्र के लिए कोरोना महामारी के बीच एक सुखद तस्वीर सामने आई, जिसके जरिए अब कोरोना मरीज सेहत भरी सांस ले सकेंगे, क्योंकि जबलपुर के पन्ना नगर उमरिया में आज से संजीवनी एयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के सीनियर विधायक अजय विश्नोई के द्वारा इस प्लांट का शुभारंभ किया गया। जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत और हाहाकार के बाद अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर संजीवनी एयर प्रोडक्ट प्लांट के संचालन की अनुमति की अनुशंसा की थी, जिसके बाद महज 24 घंटे के अंदर प्लांट की अनुमति जारी होने के अलावा अन्य सभी आवश्यक संसाधनों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे। यही वजह रही कि अब 2800 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति क्षमता रखने वाले इस प्लांट की शुरुआत हो गई है। इस प्लांट के माध्यम से आज से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति शुरू कर दी गई है, तो वहीं 25 अप्रैल के बाद खुले आसमान से भी प्लांट कंप्रेशर मशीन के जरिए 800 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तैयार किए जाएंगे। अजय विश्नोई ने इस प्लांट की शुरुआत और बीमार कोरोना मरीजों की जिंदगी को देखते हुए सीएम शिवराज द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इस समय हम लोग खड़े हैं संजीवनी एयर प्रोडक्ट्स के प्लांट के स्थल पर, और जैसा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आपातकालीन व्यवस्था के प्लांट। सभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, बहुत कुछ काम होना बाकी है, पर जो बेसिक काम होना था, ये पीछे मेरे जो प्लांट खड़ा है इसमें 20 टन गैस लिक्विड गैस आ जाती है, इससे अपने जो है 2000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। प्रत्येक एक दिन यहाँ आके एक टैंकर खाली होगा और इससे 2000 सिलेंडर्स भरे जाएंगे। ये पाइपलाइन वगैरह लग चुकी है, गैस का सिलेंडर भरने का काम प्रारंभ हो चुका है। तो इस समय जब हमको वास्तविक में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस समय ये बहुत बड़ी मदद के रूप में आएगा। इसके लिए इसके संचालक ये डॉक्टर अमित गौर जो हैं, वो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में इसको खड़ा कर दिया है। और विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मैंने आज से 3-4 दिन पहले उनको एक पत्र लिखा था कि इनको लाइसेंस एक्सप्लोजिव नहीं मिल पा रहा है, और उनका ऑफिस तुरंत एक्टिव हुआ। मेरे पत्र पहुंचने के आधे घंटे के अंदर उनके फ़ोन आ गया मेरे पास, और आज हमारे हाथ में कल रात को लाइसेंस आ गया, जिसके कारण आज हमें गैस के सिलेंडर, आज 450 करीब गैस के सिलेंडर आज बन जाएंगे। कल से हमारे को 2000 सिलेंडर्स का नया उत्पादन शुरू हो जाएगा। जबलपुर ही अकेले नहीं, पूरे महाकौशल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस नाते पूरी की जा सकेगी। आप सबको बधाई। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।